दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टाटा मोटर्स के बारे में सिखाऊंगा। रात के 12 बजे तक मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है। जो भी दोस्तों मेरी रिसर्च है वो मैंने इस पेज पे लिखी हुई है। यकीन मानो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी एफर्ट लगानी पड़ी है, बहुत ज्यादा दोस्तों मेरा इसमें टाइम गया है। आप इस वीडियो को एक छोटी सी लाइक जरूर से कर देना, जबकि इस वीडियो में भी दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि दोस्तों आपको सब कुछ टाटा मोटर्स के बारे में पता हो जाए। और आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई भी अदर वीडियो नहीं देखोगे टाटा मोटर्स के ऊपर, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। ये दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात लेके आता हूँ टाटा ग्रुप के बारे में। अब दोस्तों जो टाटा कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी को पता है। एक पूरा का पूरा दोस्तों अगर मैं टाटा ग्रुप को मिला दूं और उसकी कंबाइन रेवेन्यू या फिर उसका दोस्तों कंबाइन आपको मैं वेल्थ आपको बताऊं, तो उसके पास में दोस्तों उसकी पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू निकल के आती है 128 बिलियन डॉलर्स की। बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होता है। तो दोस्तों जो उसका सब ग्रुप निकल के आता है, जो कि दोस्तों मैं आपको टाटा मोटर्स के बारे में आज बता रहा हूँ, उसकी दोस्तों अकेले की वैल्यू 45 बिलियन डॉलर्स है। जो डाटा है मैंने इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। मेनली दोस्तों मार्केट में टाटा मोटर्स की तरफ से 4 यहाँ पे व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उनमें से दोस्तों हमारा मेन यहाँ पे निकल के आता है कमर्शियल पर्पस के तौर पे। आपने दोस्तों अपने आसपास में देखा होगा जैसे कि बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो दोस्तों टाटा का लोगो उसमें लगा होता है। टाटा ग्रुप का ही दोस्तों वो प्रोडक्ट है। दूसरे दोस्तों जो हमारा व्हीकल आता है वो है दोस्तों पैसेंजर व्हीकल्स। आपने देखा होगा दोस्तों की जो बस होती है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, तो ऐसी दोस्तों जो बसेस होती हैं जो कि हमारी पैसेंजर व्हीकल के तौर पे आती है, वहां से भी इनका रेवेन्यू आता है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल अलग होती है और हमारी कमर्शियल व्हीकल्स अलग होती हैं। इससे आपसे बात करूं तो दोस्तों हाल फिलहाल में बाय द एंड ऑफ द 2025 आप दोस्तों अपने आसपास में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखोगे जो कि टाटा मोटर्स की तरफ से ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। आई थिंक दोस्तों अब में से काफ़ी सारे लोगों ने, अगर आप इसको मुंबई या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहरों से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दोस्तों आपने देखा भी होगा अपने आसपास में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आजकल टाटा उसको एक्सपोर्ट करने भी लगे हैं। मेजर व्हीकल दोस्तों हमारी आती है इसमें से लग्जरी व्हीकल। आपको दोस्तों जान के हैरानी होगी, जो डिफेंडर गाड़ी होती है अब उसको दोस्तों टाटा ओन करती है, टाटा ही कंपनी उसको दोस्तों ओन करती है। और एक दोस्तों लग्जरी गाड़ी हमारी और है जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, जो कि दोस्तों रतन टाटा साहब ने गुस्से में आके खरीदा था उसको, हमारे लिए तो अच्छी बात है। दूसरी दोस्तों जो बड़ी कंपनी है, आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों उस कंपनी को लग्जरी गाड़ी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है दोस्तों जैगवार। दोस्तों जैगवार कंपनी भी टाटा मोटर्स के द्वारा ही ओन की जाती है। आप दोस्तों आप इसका स्कोप भी देख सकते हैं, आने वाले टाइम में इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूम होने वाला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की ऐसी इच्छा होगी कि मैं आगे जाकर के एक लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा या फिर जैगवार गाड़ी खरीदूंगा, या तो डिफेंडर आप खरीदना चाहते होंगे, लैंड रोवर जो है ना दोस्तों, जो लैंड रोवर है जो कि दोस्तों लग्जरी गाड़ी में गिनी जाती है। रेंज रोवर आपने देखा होगा, रेंज रोवर कितनी लग्जरी गाड़ी है, कितनी प्यारी गाड़ी है दोस्तों, वो रोल्स रॉयस की मुकाबले की गाड़ी है एक तरीके से। ये दोस्तों टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। अब कोई भी दोस्तों कंपनी किसी की दूसरी की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्यों खरीदेगी, क्योंकि दोस्तों उसको उस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा था, उसने उसको खरीदा ताकि ये उस कंपनी को और ज़्यादा ग्रो कर सकें, इसी वजह से दोस्तों खरीदा जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, अकेला जो दोस्तों जो इनका रिटेल मार्केट स्टेक है जो कि कमर्शियल पर्पज़ के तौर से है, 41% का दोस्तों अकेला टाटा मोटर्स लेके बैठे हुए हैं। आपने अपने आसपास में काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक्टर्स देखे होंगे, या तो आपने महिंद्रा का देखा होगा, या तो आपने आयशर का देखा होगा, और उसके बाद में दोस्तों टाटा का भी देखा होगा आपने। अब यहाँ पे दोस्तों जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे कमर्शियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं जो व्हीकल्स हैं, वो है दोस्तों हमारे ट्रक। उसमें भी दोस्तों आपने देखा होगा मोस्टली ट्रक दोस्तों आपके टाटा मोटर्स के ही निकल के आते हैं। अगर दोस्तों पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करता हूँ तो इनका अकेले का मार्केट कैप 13.5% से भी ज़्यादा का है होल्डिंग शेयर, जो कि मार्केट में दोस्तों ये ओन करते हैं। 1039.30 जो कि NSE का प्राइस है, 1039.35 इनका BSE का रेट चल रहा है। अब BSE में अलग प्राइस चल सकता है किसी भी स्टॉक्स का, और NSE में अलग प्राइस चल सकता है किसी भी स्टॉक्स का। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एक तरीके से अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पे अपना कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उसकी प्राइस ऊपर या फिर नीचे दिखाई दे सकती है एज कम्पेयर टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। ऐसा क्यों होता है, अगर आप इसको ऐसा देखोगे दोस्तों तो एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं कि ये हमारी एक दुकान हो गई, एक दुकान ये हो गई, दूसरी दुकान ये हो गई। अब एक दुकान पे कोई ना कोई प्राइस आपको थोड़ी सी यहाँ पे कम भी दे देगा, दूसरी दुकान वाला आपको थोड़ी सी प्राइस यहाँ पे ज़्यादा भी दे देगा, आप इसको इसी तरीके से मान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो 1000 रुपये की चीज़ इस दुकान में मिल रही थी, ये वाला दुकानदार आपको 500 रुपये में दे देगा,
ऐसा नहीं होता देखो है, मैं आपको कितने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों मैं इसका हल्का सा यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपको ही पता है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, इसके पास में जो रह चुका है वो होने दो, इसका जो फ्यूचर है हमें उसको यहाँ पे ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पास्ट उसका पता नहीं होना चाहिए, हमें उसका पास्ट भी पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप मुझे खुद बात बताओ, अगर मैं इसका पास्ट यहाँ पे बताने लग गया आपको, तो ऑलरेडी दोस्तों आपको पता है टाटा मोटर्स बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, अपने आप में ही दोस्तों एक नाम है। अब कोई शेयर अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है तो उसके नाम से ही दोस्तों काम हो जाता है, ठीक है, आप ये यहाँ पे सोच के रखो। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा पास में नहीं जाऊँगा कि 1900 में चले गए या 1500 में चले गए जहाँ पे हमें कोई मार्केट का कोई पता आता पता नहीं है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक दो महीने पहले के गैप में लेके चलता हूँ और दोस्तों उससे मैं यहाँ पे आपके सामने कंपेयर करता हूँ। अब दोस्तों देखो, थोड़े टाइम पहले ना, तकरीबन इसका 4 से 5 महीने पहले एक शेयर की कीमत यहाँ पे दोस्तों 800 रुपये थी। उसमें दोस्तों जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तकरीबन मैंने यहाँ पे दोस्तों 15,000 रुपये के समथिंग में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, मेरे पास में छोटा ही कैपिटल है। तो दोस्तों जो भी है मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताता हूँ। अब 800 रुपये के लगभग में उसको ख़रीदा था मैंने, क्योंकि जो शेयर था वो हमारा ऊपर जा रहा था और 800 रुपये से वो 900 रुपये को टच करने वाला था, इतना ही था वो, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही जो 800 मैंने उसको कम्प्लीट 900 रुपये पर नहीं बेचा, मैंने इसको 800 समथिंग पे ख़रीदा था, 810 या फिर 809 रुपये के हिसाब से मैंने इसको ख़रीदा था, और मैंने इसको बेच दिया था दोस्तों हमारे 897 या फिर 898 के भाव पे मैंने इसको भेज दिया था। अब टोटल में दोस्तों जो मेरी वैल्यू थी, मेरे यहाँ पे 15,000 रुपये लगे हुए थे। अब मैंने दोस्तों इससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2,000 या फिर 2600 रुपये का ही यहाँ पे मुनाफा किया था, 1500 से लेकर के 2000 के बीच में ही बने थे, इतना ही बना था, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे 1,00,000 रुपये हो गए, 10,00,000, जो भी हो रहा है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ में बता रहा हूँ। तो 2 से 3 महीने के बाद में मेरे जो 15,000 रुपये थे वो आई थिंक 17,000 के समथिंग में बन गए थे। दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। देखो दोस्तों इसकी कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी आपकी स्ट्रेटजीज है आप उसी के ही अनुसार यहाँ पे चलेंगे तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट में होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के अगर आप इसमें जोश में आके पैसे लगा देते हैं और बाई चांस आपके पैसे यहाँ पे नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर हो शेयर मार्केट में वो ऊपर भी जाएगा वो नीचे भी जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो कितनी से छोटी कंपनी हो। लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो 15,000 रुपये थे वो बढ़ के 17,000 रुपये के समथिंग में हो गए थे। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला था उसी टाइम पे, वो जब उसका प्राइस जो है 800 के लगभग में चल रहा था। अब दोस्तों मेरे पास में उस वक्त पे सफिशिएंट डाटा नहीं था, तो मैंने दोस्तों वो वीडियो को डिले कर दिया और आज आपके सामने जो टाटा मोटर्स वाली जो वाली वीडियो देख रहे हैं, यही वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक प्रेडिक्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर इसकी जो प्राइस है 1,000 रुपये अभी चल रही है फिलहाल, 1,040 रुपये के भाव से चल रही है समथिंग, अगर दोस्तों इसकी 1500 तक चलती है, 1,000 से लेके 1500 तक अगर लगभग में चलती है, तो दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें होल्ड करने का भी अच्छा आपको मौका मिल जाएगा। और यही वाली जो दोस्तों बात है, अगर मैं पहले बना देता ना वो वाली वीडियो, तो मैं उसमें दोस्तों आपको 800 रुपये से 1,000 रुपये का भाव में ही रोक के रखता कि भाई अगर इसका 1,000 रुपये तक का भाव चल गया तो आप इसको होल्ड करके रखना, वरना तो आप मत करना। लेकिन उस वक्त में मेरे पास में सफिशिएंट डाटा नहीं था तो मैंने वो वाली वीडियो नहीं बनाई, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने आपके सामने डाटा रख दिया है। अगर इसकी प्राइस 1,000 से लेकर के 1500 तक का मूवमेंट दिखाती है तो दोस्तों आप इसमें होल्डिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दोस्तों इसके थोड़े बहुत टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। देखो मैं आपको अगेन एक बात बोलना चाहूँगा, बड़ी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके हमें टेक्निकल जानने में रुचि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बोला कि शेयर मार्केट में अगर आपका नाम है तो वहीं से आपका काम भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों मैंने टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में 2 कंप्लीट वीडियो बना रखी है, थोड़ी सी लंबी वीडियोस हैं वो, लेकिन उसमें मैंने आपको ऐसा समझा रखा है जैसे कि दोस्तों बच्चे को ही समझ में आ जाए, जैसे कि मेरे सामने बच्चा बैठा हो मैं उसको समझा रहा हूँ। दोनों की वीडियो का दोस्तों जो लिंक है मैं आई कार्ड पर डाल दूंगा, साथ ही साथ दोस्तों उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। ऑलराइट दोस्तों, ये थी मेरी टाटा मोटर्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आप कोई भी फ्यूचरिस्टिक वीडियो से मिस ना हो सकें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, बाय बाय, नमस्ते।